नमस्कार, मैं भाग्यश्री। इनबिजन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज के सुर्खियों पर। जीएसटी संग्रह 10% बढ़ा, 1.62 लाख करोड़ रुपए के पार। और सोने चांदी के रेट में भारी गिरावट, 2 महीने के निचले स्तर पर आया सोना। त्योहारों से पहले सोने चांदी के रेट में भारी गिरावट देखी गई है। सितंबर में सराफा बाजारों में सोने चांदी के भाव औंधे मुंह गिरे। सोने का हाजिर भाव जहां 59,490 रुपए से 57,719 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, वहीं चांदी 74,838 रुपए से 71,603 रुपए प्रति किलो पर आ गई। 1 सितंबर 2023 के बंद भाव मुकाबले सोना 1,770 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है, जबकि चांदी के भाव 3,335 रुपए टूटे हैं। IBJ द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अब सोना अपने ऑल टाइम हाई से 4,020 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता मिल रहा है। बता दें कि 5 मई को सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव ऑल टाइम हाई 61,739 रुपए पर पहुंच गया था। वही चांदी इस दिन 77,280 रुपए प्रति किलो थी। इस दिन के रेट से चांदी करीब 5,500 रुपए किलो सस्ती मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनबिजन न्यूज। पेंशन फंड प्रबंधक HDFC पेंशन ने आम जनता में नेशनल पेंशन प्रणाली यानी NPS के प्रति जागरूकता लाने के लिए 1 अक्टूबर को NPS दिवस पर अपनी तरह का पहला NPS प्रेफरेंस इंडेक्स लॉन्च किया है। NPS एक सरकार समर्थित रिटायरमेंट बचत कार्यक्रम है, जो भारतीय नागरिकों को रिटायरमेंट जीवन में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। कोई भी भारतीय नागरिक 18 से 70 वर्ष की उम्र के बीच अपनी स्वेच्छा से NPS में सब्सक्राइब कर सकता है। HDFC पेंशन के CEO श्रीराम अय्यर ने कहा कि NPS दिवस के मौके पर हमें NPS प्रेफरेंस इंडेक्स पेश करते हुए खुशी है, और यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो NPS पर उद्योग का पहला दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। देश में सकल माल एवं सेवा कर यानी GST संग्रह सितंबर में सालाना आधार पर 10% बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। चालू वित्त वर्ष में यह चौथा महीना है जब कर संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपए की आंकड़ों को पार कर गया है। पिछले महीने सकल GST राजस्व 1,62,712 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्रीय GST 29,818 करोड़ रुपए, राज्य GST 37,657 करोड़ रुपए, एकीकृत GST 83,623 करोड़ रुपए और उपकर 11,613 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि सितंबर 2023 में GST संग्रह पिछले साल के इसी महीने के 1.47 लाख करोड़ रुपए से 10% अधिक रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू ने संगठन के एकीकरण और पुनर्गठन के साथ मार्च 2024 तक मुनाफे में आने का लक्ष्य तय किया है। पूरे मामले से अवगत सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी 1.2 अरब डॉलर के ऋण का निपटान भी करेगी। कंपनी ने अपने संगठन में भूमिकाओं के दोहराव को खत्म करने के बाद इस महीने कार्यबल में लगभग 3,000 से 3,500 तक की कमी करने की कवायद शुरू की है। एक सूत्रों ने कहा कि थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के पुनर्गठन से कई व्यवसायिक इकाइयों में फैली मौजूदा परिचालन व्यवस्था को 4 मुख्य क्षेत्रों में व्यवस्थित किया जाएगा। कारोबारी पुनर्गठन का मकसद नकदी प्रवाह के साथ संसाधनों का मिलान करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इस सप्ताह के अंत में पेश होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर यथावत रख सकता है। इसका मतलब है कि खुदरा और कॉरपोरेटेड कर्जदारों के लिए ब्याज दरें स्थिर रह सकती है। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने मई 2022 में नीतिगत दर बढ़ाना शुरू किया था, और इस साल फरवरी में यह 6.5% पर पहुंच गई थी। इसके बाद से लगातार पिछले 3 द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में नीतिगत दर को स्थिर रखा गया। RBI गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति MPC की 3 दिन की बैठक 4 अक्टूबर को शुरू होगी। बैठक के नतीजों की घोषणा शुक्रवार 6 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। GST संग्रह 10% बढ़ा, 1.62 लाख करोड़ रुपए के पार। और सोने चांदी के रेट में भारी गिरावट, 2 महीने के निचले स्तर पर आया सोना। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज।